गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्लीन सराउंडिंग्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था कि गार्बेज क्या होता है और ये किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से बनता है। एक्शन प्लान पढ़ लिए थे हमने वेस्ट मैनेजमेंट के, एंड टू कैटेगरीज पढ़ ली थी वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। एंड हमने कॉमन स्टेप्स भी पढ़ लिए थे कि हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 79 पर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका उसको डिस्पोज कैसे करना है और किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। कलेक्शन ऑफ गार्बेज फ्रॉम अवर होम्स एंड स्ट्रीट इज़ डन बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो जो हमारा गार्बेज है घर से, उसका कलेक्शन और स्ट्रीट से कचरा कौन उठाता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उसको कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ एन गवर्नमेंट एजेंसी विच लुक्स आफ्टर द क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि ये सारी चीज़ें देखती है, जैसे कि गार्बेज को कलेक्ट करना, क्लीनिनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, रोड को देखना कि रोड पे कहीं गड्ढे तो नहीं है, या वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं, साफ है या नहीं, ड्रेनेज ऑफ एक्सेस रेन वाटर एंड डर्टी रेन वाटर, मीन्स ये देखना कि जो हमारी नाली हैं, जो मोरियाँ हैं, वो ज़्यादा भरी तो नहीं है बारिश के पानी से, या फिर गंदा पानी तो उनमें जमा नहीं हो रहा। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये देखना कि सही पानी, एकदम साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं सभी को। लाइटनिंग ऑफ रोड्स एक्सेट्रा, रोड पे सही तरीके से लाइट हो रही है रात के टाइम, मीन्स स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं, ये सब किसका काम होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंस्टॉल लार्ज बिन एट वेरियस प्लेसेस। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनने बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े लार्ज बिन्स, मीन्स डस्टबिन जैसे रखे हुए हैं। द ब्लू बिन इज़ फॉर वेस्ट सच एज कैंस, बोटल, ग्लास, पेपर एसेट्रा विच कैन बी सेंड फॉर रिसाइकलिंग। ब्लू बिन किस लिए रखा रखा है? ब्लू कलर का बिन इसलिए रख रखा है ताकि उसमें आप कैन, बोटल, ग्लास, पेपर को डाल सकें जो कि रिसाइकलिंग के लिए सेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? रिसाइकिल हो जाती हैं। ग्रीन बिन इज़ फॉर वेस्ट विच कैन डिकम्पोज नेचुरली। और ग्रीन बिन इसलिए रखा है ताकि उसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जैसे हमारे जो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं वो डिकम्पोज हो जाती है नेचुरली, तो उसके लिए ग्रीन कलर का बिन रखा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं बर्निंग। सम नॉन पॉल्यूटिंग वेस्ट इज़ कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड इज़ बर्न्ड। कुछ नॉन पोल्यूटिंग वेस्ट होता है जो पोल्यूशन नहीं फैलाता, ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उनको कलेक्ट किया जाता है और एक जगह पर लाकर रखा जाता है और उनको जला दिया जाता है, जिनसे उनके जलने के बाद पोल्यूशन नहीं होता है। लैंडफिलिंग इन सिटीज़ और टाउन्स, डिचेज आर फिल्ड विद डिस्पोजल वेस्ट। जो सिटी और टाउन में गड्ढे होते हैं वो किससे भरे जाते हैं? डिस्पोजल वेस्ट से। द गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डम्प्ड इनटू डिचेस। जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसमें गार्बेज जो कलेक्ट किया होता है वो उसमें डाल दिया जाता है और उसे भर दिया जाता है गड्ढों को। व्हेन फिल्ड दे आर कवर्ड विद सॉइल। और जब वो भर जाते हैं तो उनको किससे कवर कर दिया जाता है? मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लैंड फिलिंग बोला जाता है। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर पेज नंबर 80 पर, कंपोस्ट पिट्स। कंपोस्ट पिट क्या होते हैं? वो गड्ढे जिसमें चीज़ों को भरकर खाद बनाई जाती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंपोस्ट पिट में जाती हैं? सम पीपल डिग अ पिट इन द ग्राउंड। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं ज़मीन के अंदर। एंड डम ड्राई लीव्स वेजिटेबल वेस्ट एंड कवर विद सॉइल एंड वाटर इट। फिर क्या करते हैं? उसमें सूखी पत्तियाँ डालते हैं, वेजिटेबल वेस्ट डालते हैं और कवर किससे कर देते हैं? सॉइल से, और उनको पानी दे देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स इट टर्न्स इन टू मेन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या होता है? वो किसमें फिर बदल जाती है कुछ टाइम बाद? मेन्योर में, मीन्स खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी चीज़ का सड़ना गलना और मिट्टी में मिल जाना।
ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, जिससे हमारी लैंड फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ कबाड़ी वाला इन रिसाइकलिंग वेस्ट। अब हमने देखा है कि हमारे घर में कभी भी कबाड़ी वाला आता है कबाड़ा लेने, जो भी हमारे घर में से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि पेपर हो सकते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान हो सकता है। द कबाड़ी वाला कलेक्ट्स रिसाइकल आइटम्स फ्रॉम अस, देन ही सेल्स दीज आइटम्स टू द ओनर ऑफ फैक्ट्रीज। कबाड़ी वाला क्या करता है, ये आइटम्स को कलेक्ट करता है, रिसाइकल आइटम्स को हम लोगों से, देन उसको किसे सेलता है, ओनर फैक्ट्री के, जो ओनर होते हैं जो रिसाइकल करते हैं फैक्ट्रीज में, उनको दे देता है। इन फैक्ट्रीज दीज आइटम्स आर मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। फिर फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है, इन आइटम्स को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, जिससे कि नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। होप सभी को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, सबके रोल समझ में आए होंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कबाड़ी वाला, इन सबके क्या रोल होते हैं क्लीनिनेस के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर।